हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर एसटीएम इंडिया। आज की इस वीडियो में हम लोग बड़े ही खास टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, अगर आप एक वर्किंग पर्सन हैं या फिर एक आप वर्किंग वुमेन हैं, चाहे वो किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हो या फिर किसी गवर्नमेंट कंपनी में काम करते हो, उनकी सैलरी से पीएफ डिडक्ट जरूर होता है। आज की इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि हम अपने पीएफ को कैसे निकाल सकते हैं, कैसे क्लेम कर सकते हैं, कैसे अपना पासबुक चेक कर सकते हैं, हम कितनी कंपनियों में काम करते हैं वो कैसे चेक कर सकते हैं, हम बहुत सारे पीएफ अकाउंट को एक में कैसे मर्ज कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को जानने के लिए देखते रहिए आप हमारा चैनल मिस्टर एसटीएम इंडिया। और बिना देरी किए हम अपने कंप्यूटर में चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमें कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके ईपीएफओ के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं। वहाँ पे आपको सर्विसेज में के अंदर आपको फोर इम्प्लॉयज़ का एक ऑप्शन मिलेगा। आप फोर इम्प्लॉयज़ वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से आपको मेंबर और ईवीएन ऑनलाइन सर्विसेज पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका पोर्टल ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप सबसे पहले चेक करेंगे आपका ईवीएन नंबर। अगर आप नहीं जानते हैं तो सबसे पहले आप अपने ईवीएन नंबर को जानेंगे, नो योर ईवीएन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको एक पोर्टल शो होगा जहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, जो कि आपने पीएफ या फिर आधार कार्ड में दिया हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करना है, जो कि जो भी नंबर आपने रजिस्टर्ड करा है पीएफ में, वहाँ पे एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद से फिर से आपको कैप्चा फिल करना है, और कैप्चा फिल करने के बाद से आपको वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, ओटीपी वैलिडेशन सक्सेसफुल होगा और यहाँ पे आपको कुछ और ऑप्शन शो होंगे जिसको कि आपको फिलअप करना है। सबसे ऊपर आपका नाम, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर आधार, उसके नीचे आपको एक कैप्चा दिख रहा है, वो आपको कैप्चा फिल करनी पड़ेगी। जैसे ही आप कैप्चा फिल करेंगे और शो माय ईवीएन पे क्लिक करेंगे, आपको आपका ईवीएन नंबर वहाँ पे शो हो जाएगा। आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। फिर ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद से आप फिर से अब होम पेज पे जाते हैं। होम पेज पे जाने के बाद हम चेक करते हैं कि हमारा ईवीएन है जो एक्टिवेट है या नहीं, ठीक है। अगर आपने एक्टिवेट नहीं कर रखा है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप डायरेक्टली लॉगिन भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपना ईवीएन नंबर फिल करेंगे, जो कि आपको शो हुआ होगा, आप उसको नोट किया हुआ आपने, उसको आप शो करेंगे। शो करने के बाद से यहाँ पे आधार, नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और कैप्चा फिल करने का ऑप्शन है। ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आप आई हेयर वाई जो डिक्लेरेशन है उस पर क्लिक करने के बाद गेट ऑथोराइजेशन पिन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, तो ऐसा ऑप्शन है, अदरवाइज वो ओटीपी देगा और ओटीपी देने के बाद आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। फिर से हम अपने होम ऑप्शन पे जाते हैं और होम ऑप्शन पे जाके डायरेक्ट हम लॉगिन करते हैं पोर्टल को, और वहाँ पे अपना ईवीएन नंबर और जो हमने पासवर्ड क्रिएट करा है वो हम पासवर्ड यहाँ पे डाल के हम अपने पोर्टल को लॉगिन करते हैं। लॉगिन दोनों को डालने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करनी होगी, और जैसे ही आप कैप्चा फिल करने के बाद साइन इन पे क्लिक करते हैं, साइन इन पे क्लिक करते हैं आपका कैप्चा आपका होम पेज यहाँ पे लॉगिन हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है जो ई नॉमिनेशन फाइल है, वो आप चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज मैंने ऑलरेडी कर दिया है तो कोई ज़रूरत नहीं है करने की। फिर आप यहाँ पे व्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे आप प्रोफाइल, आपकी सर्विस हिस्ट्री, यूएन कार्ड और पासबुक वगैरह देखने को मिलेगा। आप अपना प्रोफाइल यहाँ पे चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आप अपना कौन सा फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि आप यहाँ अपडेट है कि नहीं। साथ ही अपना फोटो भी देख सकते हैं। सर्विस हिस्ट्री पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि अब तक आपने कौन कौन सी कंपनियों में कब से लेके कब तक काम करा है, साथ ही उनकी मेंबर आईडी क्या थी, वो सारी चीज़ें शो होगी। ईवीएन कार्ड पे क्लिक करके आप अपना जो पीएफ का ईवीएन कार्ड होता है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप यूएन कार्ड हमारा डाउनलोड हो गया, ठीक है। उसके बाद आप व्यू पे क्लिक करेंगे और नीचे एक पासबुक का ऑप्शन है। पासबुक पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको एक नए विंडोज़ पे प्रॉम्प्ट करेगा, वहाँ पे आपको फिर से अपना जो ईवीएन नंबर है और पासवर्ड डालना है, एक कैप्चा है उसको फिल करना है। फिल करने के बाद से यहाँ पे आपको दिख सकता है, जैसा कि आप तीन कंपनियों में काम किए हैं तो आपका जितने कंपनियों में काम करा होगा उतना यहाँ पे पासबुक शो होगा। जैसे कि आप जिसको देखना है उस पर आप क्लिक करिए, व्यू पासबुक पे क्लिक करिए, ये जो है आपको टोटल दिख जाएगा इस वाले न्यू मंथ का, जो आपका कितना डिडक्ट हुआ है पर मंथ पीएफ बैलेंस, वो सारा यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। आपका कितना कटा है, आपके एम्प्लॉयर का कितना कटा है, सारी डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगी और आपको नीचे दिख रहा होगा जैसा कि। उसके बाद आपको पूरा समरी देखना है फुल, तो आप उस पर व्यू पासबुक ओल्ड या फुल पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको समरी दिख जाएगा, जैसे आपका टोटल एम्प्लॉय बैलेंस कितना है, टोटल एम्प्लॉयर बैलेंस कितना है, टोटल
ओवरऑल कितना बैलेंस हो रहा है, उसके बाद आप व्यू क्लेम स्टेटस पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि इस कंपनी के पीएफ के रिगार्डिंग आपने अगर कोई क्लेम करा है अकाउंट उठाने के लिए, वो सारी यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम फिर से हम अपने बैंक जाते हैं और बैंक जाने के बाद अकाउंट ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना पासवर्ड भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। साथ ही मैनेज पे क्लिक करेंगे, वहाँ बेसिक डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, केवाईसी वगैरह का ऑप्शन होगा। ऑनलाइन सर्विसेज में भी आपको यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज देखने को मिल जाएगी। अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज में जाके हम क्लेम करते हैं, हमें कुछ बैलेंस अपने अकाउंट से उठाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सारा जो है क्लेम का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट ऐड किया तो सिर्फ अपने अकाउंट नंबर डाल के यस करना है, उसके बाद से नीचे सारी चीज़ें फिल हो जाएगी, फिर प्रोसीड फॉर ऑनलाइन फॉर्म करना है, उसके बाद पीएफ एडवांस पे क्लिक करना है, सर्विस आपको कौन से अकाउंट से उठाना है यानी कौन से कंपनी के अकाउंट पीएफ अकाउंट से उठाना है उसको आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो उसका कारण है वो डालेंगे कि क्यों आपको चाहिए, नीचे आपको बैलेंस पुट करना है कि आपको कितना बैलेंस चाहिए। वो बैलेंस पुट करने के बाद से आपको यहाँ पे अपना एड्रेस डालना है। आपको जैसे ही आप अपना एड्रेस फिल करेंगे, एड्रेस फिल करने के बाद से आपको एक ऑप्शन शो होगा नीचे कि आप अपलोड करिए, अपना पासबुक अपलोड करिए, या फिर जो अपना चेकबुक है अगर उस पर आपका नाम है तो आप कैंसिल चेकबुक भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें सही से फिल करने के बाद आप अपना जो भी है आपके पास, जिसमें आपकी पासबुक है तो पासबुक का फ्रंट साइड, जिसमें आपका फ़ोटो है वो फिल करने के बाद अटैच करने के बाद से आप डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे और गेट आधार ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके जो मोबाइल नंबर है आधार में लिंक उस पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी डाल के वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका जो है क्लेम सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा क्लेम जो है ऑलरेडी सबमिट हो गया है, और सबमिट होने के बाद से आप चाहो तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, जो आपने क्लेम करा है उसका जो सबमिशन फॉर्म है वो आप डाउनलोड भी कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से आप अपना पीएफ अकाउंट निकालने के लिए आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करें, हम आपको ऐसे ही वीडियोस बना के देते रहेंगे। जैसे कि आप देखें, अगर आप क्लेम स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि अभी आज जो आज का डेट है, जो आज का टाइम है, उसी के हिसाब से हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, क्लेम किया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम इस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।